खरगोन शहर के खंडवा बड़ौदा स्टेट हाईवे स्थित जुलवानिया रोड पर नवग्रह मंदिर से औरंगपुरा तक स्वीकृत हुआ सीसी रोड क्षेत्र के रहवासियों सहित राहगीरों को राहत देने के बजाय सिरदर्द साबित हो रहा है। पिछले 3 माह से निर्माण कार्य रुका है। ठेकेदार ने निर्माण शुरू करने से पहले ही रोड की खुदाई कर दी है, जिसके बाद से आधा अधूरा निर्माण कार्य कर फिलहाल काम रोक दिया है, जिससे इस रास्ते पर आवागमन चुनौती भरा हो गया है। उड़ती धूल सड़क दुर्घटनाओं से नाराज रहवासी गुरुवार को कलेक्ट्रेट पहुंचे। यहां नगरपालिका सहित प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन कर निर्माण कार्य शुरू करने की मांग की है। उल्लेखनीय है कि इससे पहले भी निर्माण कार्य समय सीमा में पूरा करने की मांग को लेकर चक्का जाम जैसे प्रदर्शन किया जा चुके हैं। रहवासियों ने बताया कि अधूरे सड़क निर्माण से रोजाना हादसे हो रहे हैं, कई वाहन उनके घरों में घुस जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट खरगोन। हाँ, हमारी मांग ये है कि आप लोगों ने रोड खुदाया है तो उसको बनाने की कोशिश करें, और गरीब धूप में खड़े हैं, सब बच्चे बूढ़े आ रहे परेशान है, मिट्टी धूल मट्टी में मर रहे है, और जिसको सांस की बीमारी है डायरेक्ट मर रहे है। अध्यक्ष महोदय आई थी तो हमको समाचार दे गई थी कि भाई हम बराबर कोशिश में रहेंगे, बाकी हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और हम कह रहे हैं तो हमारी मांगों को पीछे मत पटकना, कलेक्टर ऑफिस को कहना है और नगर पालिका को कहना है कि आगे बढ़ के और गरीबों की सुनवाई करे। सर, हमारी शिकायत ये है कि अभी करीबन जुलाई माह से रोड बनाने का कार्य प्रारंभ हुआ था। एक तो उन्होंने रोड ऐसी बनाई है कि अभी गड्ढे आप जाके देख सकते हो, गड्ढे पूरे रोड में हो गए, और जो भी वहां रात को निकलता है तो ऐसा डर लगता है कि कहीं घर में नहीं घुस जाए। उसके बाद बड़े बड़े वाहन निकल रहे हैं, एक घर में तो घुस गया है वाहन। अभी सूरत की बस आई है, वहाँ पर दरवाजा तोड़ दिया है, दीवारें गिर गई है, और बड़े बड़े गड्ढे ऐसे गिरते कि बिल्कुल ऐसी मतलब उलट जाएगी हमारे ऊपर। अगर हम बाहर रहते तो कई दुर्घटना हो सकती थी। और करीबन 3-6 माह से पूरा रोड, एक तो ऊपर एक नीचे रोड, एक रोड को ऊंचा कर दिया, एक रोड नीचा हो गया। नीचे वालों को तो ज्यादा परेशानी हो रही, कब वाहन पलट जाएगा। बड़े वाले में धूल समेट समेट की, और धूल मट्टी इतनी उड़ रही है कि पूछो मत। सब बच्चे भी बुजुर्ग लोग भी सब दमा के शिकायत होते जा रहे हैं, किसी को पंप लग चुके हैं, है ना। और जब भी कोई भी आते हैं, जैसे अभी बीच में अभी मतलब परसों की बात है, अभी हमारे घर के सामने एक्सीडेंट हुआ है, एक उसके पांव में चोट आई है, और रात को भी बहुत बड़े बड़े वाहन निकलते हैं तो धूल मट्टी भी खूब उड़ रही है। तो हमारी यही है प्रशासन से कि वही रोड बनाया जाए, और जो रोड अभी कार्रवाई करे, जल्दी से जल्दी कार्रवाई करे, है ना। नगर पालिका के अध्यक्ष भी आए थे और कलेक्टर साहब भी आए थे, हमने पहले भी धरना दे चुके हैं, उसके बाद हमारी कोई कार्रवाई अभी तक सुन नहीं पाए, और अभी हमको मजबूर आना पड़ रहा है। और बीच बीच में तो पानी का छिड़काव भी होता था ताकि धूल नहीं उड़े, वो भी करीबन 1-1.5 महीने से बंद पड़ा हुआ है। इतनी धूल उड़ रही है कि खाने में भी धूल आ रही है और सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। अगर ये समस्या हमारी हल नहीं होती है तो हम चक्का जाम करेंगे। हम सभी को बोल रहे हैं, हम सभी चक्का जाम करेंगे, वही खाना पीना करेंगे, रोड बिल्कुल बंद कर देंगे हम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम निर्मला राठौड़ है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।